संगीत की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं रूपक ताल। रूपक ताल यह ताल सात मात्राओं की ताल है और इस ताल में तीन विभाग हैं। आइए देखें कैसे बनती है ताल। पहले हम लिखेंगे ऊपर सात तक काउंटिंग, उसके बाद हम इधर लिखेंगे बोल, नीचे चिन्ह। इस ताल की पहली मात्रा पर खाली है, लेकिन यहाँ पर हमें खाली और ताली दोनों को लिखना है जब हम एग्जाम में लिखेंगे। और इसे कहते हैं एकगुण और ठा, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ठा व दुगुण लिखें तो आपको सिर्फ ये एकगुण और ठा एक ही चीज है, तो आपको यही एकगुण लिखना है। उसके बाद ताली यहाँ लिखनी है चार सात और खाली एक। जो दूसरी ताली है वो है हमारी चौथी मात्रा पर, जो छठी है वह तीसरी ताली है। यहाँ पे हमें क्रॉस जीरो दोनों लिखाना है। इसके बोल देखो, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, एक बार फिर से बोलेंगे तीन तीन ना धीन ना धीन ना, यह है इसके बोल। अब देखते हैं इसको हाथ पर कैसे बजाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी रूपक ताल को हाथ पर बजाएं। सबसे पहले खाली है, खाली को हम ऐसे दर्शाते हैं, हम पहले काउंटिंग बोलेंगे स्लो स्लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इसी के साथ आपको रिपीट करना है मेरे साथ ही इसी स्पीड में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हम हाथ की डायरेक्शन देखेंगे, पहली मात्रा पर है खाली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, पहली मात्रा पर खाली। उसके बाद हम फिंगर्स लेंगे, उसके बाद हम ताली, फिर फर्स्ट फिंगर, फिर पांचवी मात्रा पर खाली फिंगर, फिर छठी मात्रा पर ताली और सातवीं मात्रा पर ऐसे फिंगर। आइए फिर से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हमें बोल को बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जो है तीन तीन ना धीन ना धीन ना, अगेन तीन तीन ना धीन ना धीन ना। अब हम इसे हाथ पे बजाएंगे उसी डायरेक्शंस के साथ, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, अगेन तीन तीन ना धीन ना धीन ना। अब मैं इसके साथ साथ गैप छोड़ूंगा, आपको उस गैप में मुझे कॉपी करना है, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, अगेन तीन तीन ना धीन ना धीन ना। अब हम इसका दुगुन करेंगे, दुगुन में हमें सिर्फ इसके बोल की स्पीड चेंज करनी है, मींस डबल करेंगे, जो हाथ की स्पीड है डायरेक्शंस की उसे वहीं रखेंगे। जैसे कि पहली स्पीड थी हमारी तीन तीन ना धीन ना धीन ना, इसको डबल करेंगे तीन तीन ना धीन ना धीन ना तीन तीन ना धीन ना धीन ना। आप मुझे कॉपी भी कर सकते हो साथ साथ, पहले एक गुन फिर दुगुन, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, तीन तीन ना धीन ना धीन ना। अब हम इसको दुगुन को हाथ के साथ करेंगे, हमारी डायरेक्शंस की स्पीड वही रहेगी, जब हम बोल बोलेंगे उसे डबल करेंगे। पहले एक गुन, जब आपको एक गुन प्रॉपरली लर्न हो जाए उसके बाद ही आप दुगुन ट्राई करें, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, एंड में हम क्लैप के साथ इसको फिनिश करेंगे। एक बार फिर से देखिए, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, तीन तीन ना धीन ना धीन ना, तीन तीन ना धीन ना धीन ना। ये है रूपक ताल। आपको पहले एक गुण लर्न करना है, फिर दुगुन लर्न करना है, और सेम ऐसा ही एग्जाम में आपको पहले ऐसे एक गुण बनाना है, उसके बाद दुगुन बनाना है।
उसके बाद इसकी विशेषताएं लिखनी है, यही है रूपक ताल में। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट।